नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे हम बात करेंगे स्टैंड लोन नंबर की, सारे जो आंकड़े हैं वो है लाख में, किस तरीके के नंबर है और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो टोटल आंकड़ा जो है 4,433 करोड़ का देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,020 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा की जो बढ़त है वो यहाँ देखने मिल रही है। लेकिन पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें 3,442 करोड़ का नंबर था, वहां से बढ़ के 4,433 करोड़, यानी कहने के 1,000 करोड़ से ज्यादा की जो बढ़त है वो होती हुई दिख रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 4,967 करोड़, पिछले साल थी 3,926 करोड़, तो शानदार बढ़त है। साल दर साल 4,630 करोड़ से बढ़ के 4,967 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो होता है दोस्तों, वो मानते हैं प्रोविजनिंग का। प्रोविजनिंग इस बार कंपनी की तरफ से कितनी होती दिख रही है, 198 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रोविजनिंग में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। और पिछले साल भी ये आंकड़ा 213 करोड़ रुपए का था, तो 213 करोड़ से प्रोविजनिंग घट के 200 करोड़ के नीचे जाती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के एक जंप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी 803 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल ये आंकड़ा 521 करोड़ था, तो 521 करोड़ से बढ़ के 800 करोड़ के पार प्रॉफिट हो रहा है। साल दर साल एक शानदार बढ़त जो है वो आती हुई दिख रही है। 703 करोड़ का नंबर पिछले क्वार्टर में था यहाँ पे सितंबर में, तो 100 करोड़ की जो बढ़त है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने में एक शानदार जो जंप है वो फेडरल बैंक की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। बाकी और आंकड़े की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देख रहे हैं 13.35 का बना हुआ है। पिछले बार ये आंकड़ा 14.37 था पिछले साल, और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 13.84। लेकिन बेसिक ईपीएस इस क्वार्टर की आ रही है 30.80 रुपए, पिछले साल ये आंकड़ा था 2.5 रुपए का और 3.34 रुपए था पिछले सेप्टेम्बर क्वार्टर में। तो ईपीएस भी जो है बढ़ रही है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे खासे जो नंबर है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रॉस एनपीए के नंबर की, कि ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है वो किस तरीके का देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 2.43% का ग्रॉस एनपीए का नंबर इस बार आ रहा है, 2.46 पिछले क्वार्टर में था। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं तो 3 बेसिस पॉइंट का सही लेकिन इंप्रूवमेंट है। और पिछले साल से अगर हम देख रहे हैं तो 3% के पार था आंकड़ा, वहां से 2.5% के नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो एक शानदार अच्छी इंप्रूवमेंट बोली जाएगी साल दर साल बेसिस पे। ग्रॉस एनपीए के बाद नेट एनपीए भी 0.73 पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि 0.78 था पिछले सितंबर क्वार्टर में, और पिछले साल आंकड़ा 1.05% पे था, यानी कहीं ना कहीं 1% के ऊपर था। तो ग्रॉस एनपीए के साथ नेट एनपीए में भी यहाँ पे आपको एक इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। चार्ट पे देखिए किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नतीजे के बाद स्टॉक थोड़े वोलेटाइल होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, 139 से 141 की रेंज में कहीं ना कहीं स्टॉक कामकाज कर रहा है। लेकिन डेली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने चार्ट लोड होने में थोड़ा सा वक्त डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में ये चार्ट बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल के आसपास अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में, तो बना नवंबर दिसंबर पूरा महीना ये 140 पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज के दिन क्या यहाँ पे 140 का लेवल पार होता हुआ दिखाई देगा नतीजों के बाद, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग अपमूव जो था वो आपको जून के महीने से देखने मिला था, लगभग 80-85 के लेवल से स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, 140 के लेवल पे आया है। और यहां से अगर आपको ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट होगा 140 के ऊपर, तो आपको ये लेवल पे नजर रखनी है। इसके ऊपर फिर सारे जो शॉर्ट्स है वो ऑलमोस्ट ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ से किसी प्रकार का प्रेशर आता है 135 के नीचे, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये पिछले कुछ दिनों का जो एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिला, तो फिर आपको ये अगर ये लेवल टूटता है 134-135 के आसपास का, तो एक बार 120-125 तक की रेंज जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिली थी 22 दिसंबर के आसपास का बॉटम था, वो लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन होप करना चाहिए कि नतीजे अच्छे हैं तो यहाँ पे आपको एक बाइंग देखने मिलेगी। अगर मार्केट पे प्रेशर आ रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत गिरावट का माहौल आगे चल के बन सकता है, अदरवाइज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।